रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ परिवहन एवं व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों से लेकर पुलिस चौकियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्हें निर्देशों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा और जावरा SDOP शक्ति सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पिपलौदा थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान और सुखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी कुलदीप देथरिया की टीम द्वारा मुखबिरी की सूचना पर एक पिकअप वाहन से 16 क्विंटल मादक पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 30,000 रुपये नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। तो ये क्या है मामला पूरा, इसका जो खुलासा हुआ है इसमें? हाँ, ये कल की घटना है। मुझे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बलर पिकअप वाहन से टोड़ा जोड़ा लेकर अंगेठी तरफ जा रहा है। मेरे द्वारा अपने स्टाफ को लेकर और परिजनों को लेकर वहाँ पर घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया है। उसके पकड़ने पर पिकअप वाहन से 80 बोरे डोडा चुरा के जब्त किए गए हैं और एक पिकअप वाहन जब्त किया है, उसका मोबाइल भी जब्त किया है और नकदी 30,000 रुपये के लगभग वो भी जब्त किए गए हैं। तो जो आरोपी पकड़ाया है, क्या वाहन को वही चला रहा था? और हाँ, आरोपी वाहन चालक है, वही चला रहा है। इसके अलावा भी कोई अपराधी इसके अंदर है क्या? हाँ, वो चूँकि कहाँ से लाया है और कहाँ देने जा रहा था, ये सब चीज़ अभी व्यवस्था में है और वो किए जा रहे हैं। लाल सिंह नाम का व्यक्ति बताया है कि उसने गाड़ी भेजी थी और उसके संबंध में व्यवस्था की जा रही है। कितनी मात्रा में है अवैध मादक पदार्थ? ये है 1600 किलोग्राम है, मतलब 16 क्विंटल। इसकी अनुमानित कीमत 32 लाख के लगभग है करीब। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।